एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ आपके पास में फिर से एक बहुत ही आसान सी और घरेलू रेसिपी को लेकर के। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक जो कि बिल्कुल होममेड है। बिल्कुल भी मार्केट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है इस केक को बनाने के लिए। बहुत ही आराम से और आसानी से इसे आप घर पर बना सकते हैं। मेरी अपनी हर वीडियो में कोशिश यही रहती है कि आप बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से कोई भी अच्छी सी रेसिपी बना लें। तो चलिए जानते हैं कि इस केक को बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप छोटे कप से मैदा ले लिया है, शुगर पाउडर लिया है, और मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, वनीला एसेंस लिया है, चेरी ली है जिसे काट लिया है, बेकिंग सोडा लिया है और बेकिंग पाउडर ले लिया है। तो बिल्कुल बिना बटर के आराम से हम रिफाइंड ऑयल से आज केक बना लेंगे। ये शुगर पाउडर आप आराम से घर पे बना सकते हैं। चीनी को पीस लें मिक्सी में और आराम से इसका पाउडर बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना ये आसान सी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने बाउल में मैदा ले लिया है और उसमें डाल दूंगी मैं शुगर पाउडर। जितना आपने मैदा लिया है उसी के सेम क्वांटिटी में आपको शुगर पाउडर लेना है। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है, ऑयल डालती जाऊंगी और इसे मैं मिक्स करती जाऊंगी। यहाँ हमें दूध डाल के भी इसे मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल पानी से ही हम इसे आराम से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी वनीला एसेंस और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊँगी। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतला हमारा बैटर नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें आप। और अपने हाथों को बहुत जल्दी और स्पीड में आपको चलाना है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपको अपने हैंड को बिल्कुल स्पीड में चलाना है ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा बने, स्पॉन्जी बने। इसका ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ होने से आपका केक जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए ये देखिए, इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बैटर तैयार है हमारा केक का। तो मैंने यहाँ पे लिया है फूड कंटेनर, ये देखिए बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये। मैंने इसमें ले लिया है रिफाइंड ऑयल और इसे मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें मैदा से डस्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको किसी भी बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आराम से इसमें आप केक बना सकते हैं। अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूंगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है आपको, इसका ध्यान रखें। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है इसे। अब मैं इसे घर पे बेक करूँगी। बिल्कुल मैं इसे ओवन में नहीं पकाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट। इस सॉल्ट को मैंने पहले भी बेक करने के लिए यूज़ किया था। अब मैं इसमें रख दूँगी और इसे ढक दूँगी। किसी भी भारी चीज़ से आप इसे ढक सकते हैं और बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे। ये देखिए, ये फूलना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छा बना है। ये देखिए, मैं इसमें स्पून की सहायता से दिखाऊंगी आपको कि ये बिल्कुल भी स्पून में नहीं लग रहा है, इट मीन्स ये तैयार हो चुका है। थोड़ी देर हम इसे और बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पॉन्जी हमारा केक बन के रेडी हो चुका है।
इसको बनने में हमें 45 मिनट्स लग गए हैं। पहले जब आप इसे बंद करें तो बिल्कुल भी इसे ना निकालें और बिल्कुल 45 मिनट्स के लिए छोड़ दें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है बटर क्रीम, जिसे मैंने घर पे बनाया है। इसकी वीडियो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसे बिल्कुल देख लें। और मैंने यहाँ पे ली है चेरी, जिसे काट लिया है। तो मैंने अपने क्रीम में डाल दिया है वैनिला एसेंस और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल वनीला एसेंस के जैसा हो जाए। ये देखिए, इसमें भी मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये होममेड क्रीम आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें भी मिक्स कर दिया है। तो चलिए करते हैं अपने केक को फूड कंटेनर से बाहर और कर लेते हैं इसे डेकोरेट। ठंडा करके इसे निकाल लें आप आराम से। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें क्रीम लगा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आराम से आप क्रीम लगाएं। हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है और इसका ख्याल रखें कि ये टूट ना जाए। तो बिल्कुल धीरे धीरे से मैं इसमें क्रीम लगाती जाऊंगी। ये देखिए, तो मैंने इसमें अपनी वाइट वाली क्रीम को लगा दिया है। अब मैं इस तरीके की कोई भी प्लास्टिक बैग ले लूंगी और उसमें डाल दूंगी ये ऑरेंज वाली क्रीम। ये देखिए, मैंने इसका एक कोन बना लिया है। अब मैं इसे सीज़र से कट कर दूंगी और उसे किसी भी तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाकर इसे डेकोरेट कर दूंगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल घर की चीज़ों से मैंने आराम से इसे तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं। अचानक से आप इस तरीके का केक घर पे बनाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत सरप्राइज हो जाएंगे देख करके। तो ये प्लास्टिक बैग से आप आराम से घर पे इस तरीके से कोन बना सकते हैं और उसमें क्रीम डाल करके आप किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने केक को कर लिया है डेकोरेट। अब मैं इसमें चेरी सजा दूंगी। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से केक या पेस्ट्री बना सकते हैं घर में। जब भी आपका दिल चाहे, छोटी से छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशन आप आराम से घर पे इस तरीके से केक बना के कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मार्केट जाने की। क्रीम भी अपना है और केक भी अपना है। बिल्कुल भी मार्केट जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और होममेड, बिल्कुल घर की चीज़ों से मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं ये केक, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल भी इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन का या किसी भी मार्केट की ख़ास चीज़ों से मैंने इसे नहीं बनाया है। तो बिल्कुल हाथों से बनाया है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाए। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही घरेलू रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय गाइज।